अगर कोई लड़की एटीट्यूड दिखाती है या रिप्लाई नहीं देती तो कैसे उससे बात कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो यहाँ पर देखो मैंने उसको मैसेज किया था हाय प्रिंसेस। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है किसी लड़की को हम इस तरह से तारीफ करेंगे तो वो रिप्लाई दे ही देगी। तो इसने कहा हाय। तो मैंने कहा एक बात पूछूं। तो मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ से हो क्या करते हो। तो मैंने कहा एक बात पूछूं। इसने कहा क्या। मैंने कहा सोचो अगर तुम सब्जी होती तो तुम कौन सी सब्जी बनना पसंद करती। तो यहाँ पर इसने ये मुक्के वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अरे बताओ ना प्लीज़। तो इसने कहा ग्रीन चिल्ली। मैंने ये वाला शोक वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा वो क्यों। तो कहने लगी ताकि लोग बेवजह मुझसे बकवास ना कर सके। मैंने कहा तुमसे तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। तो इसने कहा क्यों। मैंने कहा तुम अब भी मिर्ची की तरह तीखी हो। तो ये मुस्कुरा कर कहने लगी हाँ तो सही तो है, इसीलिए कोई मुझसे फालतू नहीं बोलता। मैंने कहा सही है, वैसे भी लड़कियों को थोड़ा तेज बनकर रहना चाहिए वरना लड़कियां जितनी मासूम होती हैं उनका कोई भी फायदा उठा लेता है। तो इसने कहा लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। मैंने कहा जैसे ड्रोन को पकड़ना मुमकिन नहीं है वैसे ही तुमको पटाना मुमकिन नहीं है। तो ये कहने लगी मैं पढ़ती ही नहीं हूँ ये फालतू लफड़ों में और ना मैं किसी से ज़्यादा बात करती हूँ। तो मैंने कहा फिर तो मुझसे भी नहीं करोगी। तो इसने कहा यस। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपकी लाइफ है जैसे चाहे जियो, बस दुख रहेगा मुझे तुमसे बात ना करने का। तो इसने कहा अब तुम मुझे गाली दोगे है ना। मैंने कहा मैं गाली क्यों दूंगा। तो इसने कहा क्योंकि मैं बात नहीं करूँगी आपसे इसलिए, और इसीलिए लोग मुझे घमंडी सेल्फिश और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा ही होता है, अगर कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती तो लड़के उसको गाली देने लगते हैं या उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर ना उनके चक्कर में सभी लड़के एक ही कैटेगरी में गिने जाते हैं, सभी बदनाम होते हैं उनके चक्कर में। तो यहाँ इसको भी ऐसा ही लगा अब ये मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं इसको गाली दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ यार किसी के साथ भी। यार उस लड़के की मर्जी है, वो बात करें ना करें, हम काय को जबरदस्ती करें किसी के साथ। उसका मन है बात करने का तो करेगी, नहीं है तो नहीं। अब तुम लोग उसको गलत बोल के या गाली दे के क्या हासिल कर लेते हो, सिर्फ अपनी इमेज खराब करते हो और तो कुछ होता नहीं है। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा गाली सुन के। तो यार ऐसा मत क्या करो, अगर कोई बंदी बात नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती मत क्या करो उसके साथ, ना उसको गलत बोला करो ना गाली दिया करो, ठीक है। मैंने कहा मैं क्यों कुछ बोलूंगा यार, सबकी अपनी लाइफ होती है, अपना मन होता है इंसान का, वो जिससे चाहे उससे बात करे, जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ते थोड़ी बनाए जाते हैं। तो इसने कहा ओहो। तो मैंने कहा क्या हुआ। इसने कहा पहली बार किसी ने ऐसा बोला है, वरना लड़के अपनी औकात दिखा देते हैं बात ना करो तो। तो मैंने कहा सब एक जैसे नहीं होते यार, तुम ही बताओ तुमको उल्टा सीधा बोल के मुझे क्या मिलेगा। हाँ इतना जरूर होगा तुम्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा वाओ अच्छी बात बोली है आपने, चलो कोई तो मिला जिसको बात करने का सलीका आता है, वरना अभी तक तो सब अपनी औकात दिखा ही रहे थे। देखो लड़की ना घमंडी नहीं होती है, ना उसमें एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड सिर्फ हमारी बातों की वजह से आता है, क्योंकि हम बदतमीजी करते हैं तो वो फिर समझती हैं कि यार ये जाहिल बंदा है, फिर वो चुप थोड़ी रहेगी, पलट कर कुछ ना कुछ जवाब देगी, और फिर उनके चक्कर में ना वो सभी बंदों से बात करना बंद कर देती है, उसको लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं। तो जब इसने कहा ना अभी तक तो सब अपनी औकात दिखाई रहे थे, तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगा अच्छा एक बात पूछूं। इसने कहा क्या। मैंने कहा आपका बीएफ तो आपसे बहुत डरता होगा। तो ये मेरा इसका ये पूछने का बहाना था कि आपका बीएफ है या नहीं है। तो इसने कहा बीएफ ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, आपके डर की वजह से नहीं बनता होगा कोई। तो इसने कहा मुझे फेक पीपल पसंद नहीं है, अब कोई सच्चा प्यार करता ही नहीं। मैंने कहा हाँ ये तो है, लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनको मजा आता है, जब मन भर जाता है फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो इसने कहा हाँ इसीलिए मैं नहीं बनाती बीएफ। तो मैंने कहा सही है, वैसे एक बात बोलूँ। इसने कहा जी बोलिए। मैंने कहा तुम ना दिल की बुरी नहीं हो, बस बुरा बनने का दिखावा करती हो। तो ये मुस्कुरा कर कहने लगी मुझे ऐसा ही रहना अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती मैं किसी से बात करूं और मुझे किसी से लगाव हो जाए। मैंने कहा एक बात मानो ना मानो लेकिन तुम्हारी बातें कुछ कहना चाहती हैं। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, धोखा मिला है ज़रूर तुमको, इसलिए तुम ऐसा बनने की कोशिश करती हो जैसे तुम कितनी बुरी हो। तो यहाँ इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तुम बड़े ज्ञानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा खाओ मेरी कसम ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने कहा अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं, क्यों खाऊं।
तो मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है, सच बोल रही हो तो कसम खा लो। तो इसने वाला इमोजी सेंड किया, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बोलो, तो इसने कहा ओके बाबा ठीक है, जब मन होगा बता दूंगी सब कुछ। तो जाहिर सी बात है भाई, पहली बार चैट हो रही है तो वो हम मुझे इतना खुलकर क्यों ही बताएगी कुछ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इससे फोर्स भी नहीं किया, मैंने कहा थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। तो इसने कहा वो तो मैं हूँ। मैंने कहा वैसे कहाँ से हो तुम, देखो यहाँ पर इतनी देर बाद मैंने इससे पूछा वैसे कहाँ से हो तुम। तो इसने कहा गाजियाबाद से यू। तो मैंने शोक वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, आप तो बड़े नज़दीक रहती हो हमारे। तो इसने कहा हाँ जी। तो अभी मेरी इससे यहाँ पर इतनी ही चैट हुई थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि लड़कियाँ घमंडी होती हैं, घमंडी सिर्फ हमारी बातों की वजह से हो जाती है, क्योंकि हम बदतमीजी करते हैं उनसे, तो वो इसलिए बात करना छोड़ देती हैं लड़कों से, और वो फिर सीधे मुँह बात ही नहीं करती किसी से भी, एक के चक्कर में सब बदनाम हो जाते हैं। तो ऐसा मत क्या करो, अगर कोई लड़की बात करना चाह रही है तो ही उससे बात करो, अगर कोई नहीं करना चाह रही तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स मत करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।